Namaste, this is Gitu Mirpuri from Divine Touch Healing Academy. Divine Touch Healing Academy में Lama Fera की classes conduct होते हैं, आप ये classes online भी सीख सकते हैं. दूसरे भी 32 और modalities हैं जो यहाँ पर conduct होते हैं, आप वो भी website पर check कर सकते हैं www.gitudivinetouch.com. ये वीडियो बन रहा है, थर्ड वीडियो है कि आपकी लाइफ बैलेंस कैसे करेंगे, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना है जिससे हमारा लाइफ इम्प्रूव होता है. जब भी हम मेडिटेशंस करते हैं तब हमारा स्पिरिचुअल जर्नी चालू होता है और हम स्पिरिचुअल जर्नी को ऊपर लेकर आ रहे होते हैं. और जिस दिन स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों बैलेंस हो जाते हैं उस दिन हमारी लाइफ में से सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, हमारी लाइफ इम्प्रूव हो जाती है. डे टू डे के जो प्रैक्टिसेस है, पूजा पाठ करना, वो हम आजकल ध्यान से नहीं करते हैं, भाव से नहीं करते हैं. एक जस्ट फॉर्मेलिटी होता है, दिया जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, कुछ आरती बोलना है, तो उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, हमारी ग्रोथ नहीं होती है. इसीलिए मॉडलिटीज लर्न करने से, स्पेशली लामा फेरा, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, ये सब लर्न करने से हमारी स्पिरिचुअल उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है. जब हम आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे होते हो, चैरिटीज है, मंत्र चैंटिंग है, पूजा पाठ है, अगर वो पूरे भाव से कर रहे हैं, या आप रेकी प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप लामा फेरा प्रैक्टिस कर रहे हो, क्रिस्टल हीलिंग है, कोई भी प्रकार का हीलिंग है, मेडिटेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप रिसीविंग मोड में रहते हैं. आप वहां से कॉस्मिक से कनेक्टेड होते हैं, हायर पावर से कनेक्टेड होते हैं, गॉड से कनेक्टेड होते हैं, और आप वहां से मैसेजेस नहीं तो गिफ्ट्स आपको रिसीव हो रही होती हैं. और अनलकीली आजकल अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं. बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मटेरियलिस्टिक पर बिजी रखते हैं और वहीं पर ट्राई करते रहते हैं, उनके काम हो जाएं, उनके डील्स हो जाएं, उनका करियर अच्छा हो जाए, उनका बिजनेस बढ़ जाए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, या फिर ट्राई कर रहे होते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए. लेकिन मटेरियलिस्टिक जर्नी एक क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर स्पिरिचुअल जर्नी है. अगर हम शांत भी बैठे हैं, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है. आप देखते हैं बहुत बार लोग हैं मंदिर नहीं जा रहे हैं और कुछ पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ स्मूथ चल रही है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल पावर्स को या उनके अंदर जो भी शक्ति है उन्होंने उसे नेगेटिविटी में स्पेंड नहीं किया है. वो जाकर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो जाकर किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, वो किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, किसी का काम बिगाड़ने के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो शांत बैठे हैं. तो शांत बैठना, अपने काम पर ध्यान देना, ये भी एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है. तो वो भी हमें प्रैक्टिस करने आना चाहिए कि हम दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करें, हम खुद के लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर दें नेगेटिविटी से. तो इसीलिए आप बहुत बार सरप्राइज होते हो कि ये पर्सन कुछ करते नहीं है आध्यात्मिक में, फिर भी इनकी लाइफ स्मूथ चल रही है, क्योंकि उन्होंने अपने जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो अपने लिए संभाल कर रखे हैं, वो किसी नेगेटिविटी पर अपने एनर्जीज को खर्च नहीं कर रहे हैं. सो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बहुत ही जरूरी हैं. जैसे मैंने बताया कि आप रिसीविंग मोड में रहते हो, आप कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे होते हो. तो अगर हमें हमारा करियर, हमारा बिजनेस, हमें हमारा रिलेशनशिप, हमारा हेल्थ हमें इम्प्रूव करना है, तो हमें आध्यात्मिक मॉडलिटीज का सहारा लेना है और हमें अपने आप को पूरे भाव से पूजा पाठ, सिमरन, हवन, जो भी करते हैं हम, उसे पूरे भाव से करना है. थैंक यू.